मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में 1 मार्च से बारिश की संभावना जताई है। इसे देखते हुए किसानों के लिए एक खास फसल एडवाइजरी जारी की गई है। एक और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक सर्कुलेशन सिस्टम बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 1 और 2 मार्च को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल गरजने, बिजली गिरने, 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना है। पपीता और केले की खेती करने वाले किसान बारिश की संभावना को देखते हुए उसे स्कर्टिंग बैग से ढके या ओला जाल का इस्तेमाल करें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बारिश की संभावना को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने बगीचे के पौधों को यांत्रिक क्षति से बचाने की सलाह दी है। आप किसान हैं तो अपने मोबाइल से भी तूर दाल की बिक्री कर सकते हैं। इसके लिए आप नाफेड के पोर्टल esamriddhi.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकारी एजेंसी नाफेड ने तूर दाल की खरीद की घोषणा की है। दाल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 54,000 किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिया जाएगा। इसके लिए 27 फरवरी यानी आज से 29 फरवरी के बीच ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए सरकार की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग लिंक पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके साथ ही किसानों को 5,000 रुपए टोकन मनी भी ऑनलाइन जमा करनी होगी। किसान भाई 9 प्रकार के सोलर पंपों पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अनुदान का लाभ पाकर इसे खरीद सकते हैं। अब 48 घंटे के अंदर ही किसानों के खातों में उनके गेहूं का पैसा आ जाएगा। 1 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी निर्देश में कहा है कि राज्य 1 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू करें और 48 घंटे में किसानों को उनका भुगतान करने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से इस बार अधिक गेहूं खरीदे जाने की उम्मीद है। छोटे पैमाने पर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो सरकारी केंद्र से प्रशिक्षण ले सकते हैं। यहां बॉयलर, टर्की, बटेर और देसी मुर्गी पालन की जानकारी दी जा रही है। यूपी के बरेली में इज्जत नगर स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की तरफ से मुर्गी पालन की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान की वेबसाइट cari.icer.gov.in पर जाएं। यहां फीस और दूसरी सभी जानकारियां मिल जाएंगी। रेप सीड और सरसों के अधिक उत्पादन से बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में ज्यादा उछाल की उम्मीद नहीं है। जानकारों के मुताबिक पाम तेल, सोया तेल और सूरजमुखी तेल के आयात में कटौती करने में भी इससे मदद मिलेगी। रेप सीड और सरसों के उत्पादन में बंपर बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार रबी सीजन में रेप सीड और सरसों का क्षेत्रफल 1 साल पहले की तुलना में लगभग 5% से बढ़कर 10 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। वहीं भारत ने 2022-23 में 115 लाख टन रेप सीड का उत्पादन किया और चालू वर्ष में उत्पादन 3 लाख से 5 लाख टन तक बढ़ सकता है। देश में गेहूं का उत्पादन करीब 114 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। इससे बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने में सरकार को मदद मिलेगी।